आज की इस वीडियो में हम अपनी एम्प्लॉय अलाउंस शीट के बारे में, जो हमने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था उसमें हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं कि ये जो मैंने थ्योरी में आपको बताया था ये शीट हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं ये हम बनाना आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सेल ओपन करना बताया था और शीट पर कैसे टाइपिंग होती है यही बताया था। इतना आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहले आपको लेना है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, एमए, पीएफ, आईटी, डेट, ग्रॉस और नेट सैलरी। तो बेसिक सैलरी में हम कुछ भी टाइप कर लेंगे, सैलरी डाल लेंगे, जैसे मैंने इसमें पहले वाले में 18,000 डाल दिया है। सबसे पहले आप बेसिक सैलरी सभी टाइप कर देंगे जितनी भी है आपकी, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इन पे देख पा रहे हैं आप, यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एमएस एक्सेल आपके लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्षेत्र में हमें एमएस एक्सेल तो आना मर चुका है। आपको ये कोई भी जॉब कर लें, चाहे आप सरकारी कर लें चाहे प्राइवेट जॉब कर लें, उसमें एमएस एक्सेल की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको एमएस एक्सेल के साथ एडवांस एक्सेल तक सिखाएंगे। आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ईमैक्स इंडिया के नाम से ऐप भी है। अब हमने क्या है एचआई अकाउंट करना है, हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डीएनएस अलाउंस, एमए लीगल अलाउंस, पीएफ प्रोविजनल फंड, आईटी इनकम टैक्स, डेट मतलब जो हमें नहीं मिलना डिटेक्शन, ग्रॉस मतलब जो हमें मिलना है, नेट सैलरी जो हमें प्राप्त होगी। आप किसी भी कंपनी में चले जाए, यदि मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये सब फंड मिलते हैं और सरकारी में तो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस सीट को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम क्या है एचआरए, मान लो सपोज करें हम क्या है बेसिक सैलरी का 10% दे रहे हैं हम, डी टू इंटू 10% एंटर। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने के लिए, ये भी हम बेसिक सैलरी पे सबको 3% दे रहे हैं इंटू 3%। और डीए भी दे रहे हैं हम डी टू के ऊपर, इक्वल टू लगाना अति अनुवाद है, मैं अनुवाद बताऊं यदि हम एक्सेल से पूछ रहे हैं तो इक्वल टू लगाना है और बताना है तो इक्वल टू नहीं लगाना है। डीए दे रहे हैं हम 4%, मैं नहीं बताऊं। एमए मेडिकल अलाउंस ये दे रहे हैं हम बेसिक सैलरी पे आपका 6%। मैं समझाया था जब थोड़ी जो थ्योरेटिकल वाली वीडियो थी वो आप देख सकते हैं 3.1, ये दूसरा है इसका 3 पार्ट देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में नहीं है। इक्वल टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, अभी कटेगा बाद में मिलेगा जीवन आरक्षण निधि। ठीक है ये मान लो सफा अलग अलग होता है तो ये ले लिया मैंने 4%। आईटी इनकम टैक्स ये भी हमने कटौती होगी तो सरकार के रूल के हिसाब से होता है, अभी हमने सिर्फ 5% दे दिया है दिखाने के लिए। देख रहे हैं आप एक बार में हो गई, अब आप पूरे को पकड़ के ड्रैग कर दें, ये ड्रॉ किया मैंने लेफ्ट क्लिक दबाते हुए और पकड़ के आप ड्रैग कर दें या दो बार क्लिक कर दें सबका अपने आप आ जाएगा। अब हमें कटौती डिडक्शन जो हमें नहीं मिलना, कौन कौन सा नहीं मिलना, एक आईटी और एक पीएफ, आईटू प्लस जे टू, ये कटौती हो रही है, कटौती एक तरफ जो मिल रहा है वो एक तरफ रखेंगे। आगे ग्रॉस जो हमें मिल रहा है इक्वल टू, एक तो डी टू मिल रहा है मुझे प्लस ई टू, अभी से मैंने आपको बताया नहीं है सम फंक्शन नहीं बताए, मैं आगे की क्लास में आपको फंक्शन लगाना बताऊंगा। एफ टू प्लस जी टू प्लस
H2, ये जो की हमें क्या है जितने भी हमारी बी हो, तो H2 तक हमें मिल रहा है और मैंने क्या है डायरेक्ट एंटर कर दिया। और यहाँ पे आप फॉर्मूला बाद में देख रहे हैं फॉर्मूला, और ये है आपका सेल एड्रेस। अब आपको सबका निकालना है तो आप दो बार क्लिक कर रहे हैं। अब क्या है जो हमें मिला वो एक तरफ और जो नहीं कटौती है वो एक तरफ, तो इसमें से क्या है ग्रोथ में से डेट को घटा देंगे हम, इक्वल टू L2 माइनस K2। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपकी नेट सैलरी आ गई 20,520 रुपये, देख रहे हैं सबकी निकली गई। और अलग अलग कंपनी में फंडों के नाम चेंज हो सकते हैं, तरीका आपका यही होगा, ही देख पा रहे हैं आप। सही है, हमें क्या है इस सीट पे हेडिंग डालनी है ऊपर, तो यहाँ पे रखेंगे हम कर्जर। और हम क्या है कंट्रोल प्लस की सहायता से एक रो बढ़ा लेंगे, कंट्रोल प्लस दबाया मैंने, ये डायलॉग बॉक्स आया, तो यहाँ पे बता देंगे एंटायर क्या रो, ये हो गया। यहाँ पे मैंने डाल दिया ये है क्या, एम्प्लॉई अलाउंस सीट, एम्प्लॉई अलाउंस सीट। और इसे क्या है हम मर्ज करेंगे, मतलब ये करना है तो आप देखें ये यहाँ से ड्रैग करते हुए आप वाली लोगों को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कर देंगे आप क्या मर्ज सेंटर, और इसका टेक्स्ट का साइज आप बढ़ा देंगे, ये देखिए बोल्ड कर देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगा, इटैलिक कर देंगे, और चाहे तो आप यहाँ से कलर भी रेड कर सकते हैं। ये हो गया। यदि आपको एक्सेल संपूर्ण पूरी तरह से सीखना है तो आप क्या है दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।